प्लीज एंश्योर दैट आप लोग वीडियो को लाइक कर कर रहे हो, हो uh, एंड तो, uh, सब्सक्राइब बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं और भी बनाने वाला हूँ प्लस देर इज पेपर सिक्स आई बी एस वहां पर भी ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूज आने वाले हैं सो स्टे सब्सक्राइब विद आइकन सो दैट एंड तक आपको मेरी तरफ से जो हेल्प मैं दे सकूं मिलती रहे अब आ सकूल अगर आप लोग चैप्टर वन ओपन करोगे ना देन इन दैट केस चैप्टर वन में इंस्टीट्यूट ने काफी सारे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज ड्राफ्ट किए हैं सो डेफिनेटली वी शुड नो वॉट एग्जैक्टली इट मीन एंड वही मेरे स्टाइल में आप लोगों को मैं पहले दूंगा एक मस्त एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा एंड देन वी विल गो थ्रू द ICAI मटेरियल एज़ वेल सो जैसा मैंने आपको बोला कि इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है ऐसे ही AFM है उसके भी कॉन्सेप्ट्स है उसका भी प्लेलिस्ट है सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस प्लेलिस्ट सब इसमें आपको 10 10 मार्क 10 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे ओके देन सो हियर वी आर वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास इसको बोलते हैं लास्ट सेशन में मैंने मैंडलॉज मैट्रिक्स कराया था उसके पहले मैंने कराया था ऑस्टोवॉल्ड बिजनेस कैनवास जहां पे मैंने तुम लोग के साथ लिया था एक जोमैटो का एग्जाम्पल याद है इस जोमैटो के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया था कि आपको एक अगर आपका नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू शुड हैव योर बिजनेस मॉडल वो बिजनेस मॉडल का जो एकदम सेंटर पॉइंट है दैट इज वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब आपका कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एक ऐसा आ, प्रोडक्ट या सर्विस जो आप कस्टमर को दे रहे हैं विच इज यूनिक फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स एंड विच इज गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल टू द कस्टमर्स एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू द कस्टमर्स सो दैट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन तो एक बार आपके प्रोडक्ट का सर्विस का बिजनेस का वैल्यू प्रोपोजिशन बन गया उसके बाद में देन यू कैन क्रिएट योर चैनल्स

बिजनेस मॉडल का जो सेंटर पॉइंट है एंड दैट इज योर यू प्रोपोजिशन फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन इस वैल्यू से बना और एक कॉन्सेप्ट एंड इस कॉन्सेप्ट को हमने कहा है वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास ठीक है सो ये वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास कॉन्सेप्ट बुक आप लोग ओपन कर ही लो एज यूजल एंड वहां पे आपको मिल जाएगा ये वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट can come for sure shot 8 to 10 marks so let's do what is value proposition canvas very very important so dekho naam se hi pata chal raha hai ki yaar wo jo business model ka center point tha value proposition usse aur ek next level pe gaye hain banaya hai ye value proposition canvas to aapke liye value proposition wo jo nine elements hai उसमें center element में है value proposition बाकी के eight elements उसके आसपास में. mein so this shows that value proposition should be known to us very very clearly अब इसमें उन्होंने बोला है कि ये वैल्यू प्रोपोजिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक जिसको बोलते हैं वैल्यू मैप और दूसरा जिसको बोलते हैं कस्टमर प्रोफाइल पहले स्टार्ट करना है आपको आपके वैल्यू प्रोपोजिशन जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना अपना इवेल्युएट करना तो पहले आपको फोकस करना है अपने कस्टमर प्रोफाइल के ऊपर कस्टमर प्रोफाइल को जब आप इवेलुएट करोगे तो आपको कुछ चीजें लिस्ट डाउन करनी है तो वो आपको पता चलेगा उस चीज से यू विल बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बाई यूजिंग इट द वैल्यू मैप और जब इन दोनों का मेल मिलाप हो जाए जब ये दोनों फिट हो जाए ये देखो, बीच में फिट हो जाए प्रोपोजिशन इज ऑन पॉइंट समझ में आ रही है आपको बातें तो एक है आपका कस्टमर प्रोफाइल दूसरा है आपका वैल्यू मैप कस्टमर प्रोफाइल पहले आप इवेल्यूएट करोगे क्या होता है ये कस्टमर प्रोफाइल मतलब रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर लेट्स टेक एन एग्जांपल दो एग्जांपल मैं लेने को रेड्यूस में एक एग्जांपल मैं लेता हूं वन ऑफ अगेन माय फेवरेट कंपनीज जिसका नाम है एयर बी एन बी क्या आप लोग ने एयर बी एन बी के बारे में सुना है ठीक है सो एयर बी एन बी अब यहां पे कस्टमर प्रोफाइल या कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है ये देखो ये जो देखा ना कस्टमर प्रोफाइल तो इसमें एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्पीक कस्टमर कस्टमर customer. Customer के बारे में बात करने वाले तो सबसे पहला इसमें आता है कस्टमर जॉब कस्टमर जॉब का मतलब कस्टमर फ्रॉम माई बिजनेस इंडिया में ओयो बी जैसा चालू हुआ है एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट है तो अपना क्या फोकस रहता है यहां पर मैंने एयरबीएनबी को यूज किया है तो आई नो इट वेरी वेल तो वेन आई एम ट्रेवलिंग आउटसाइड माई ओन सिटी तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो चीप हो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव बेसिकली एट द सेम टाइम इट इज इन अ गुड एरिया सो दैट मैं आसपास में प्रॉपरली घूम सकू थर्ड जिसका मैं ये प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहा हूँ या जहां पे मैं रहने वाला हूं वो ट्रस्टवर्दी लोग हो एंड इफ आई एम एबल टू गेट ऑल ऑफ दिस देन इन दैट केस मेरे को मजा आ जाएगा तो मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया तो मेलबोर्न सिडनी ब्रिस्बेन मेरे सारे के सारे प्रॉपर्टीज मैंने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किए थे अब मेरे पास दो ऑप्शन था मैं तो होटल में रहूं या फिर मैं एयरबीएनबी का एक अपार्टमेंट रेंट आउट करूं एंड ट्रस्ट मी एयरबीएनबी का अपार्टमेंट वॉज ह्यूज इट वॉज बिग एंड वी गॉट द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड ऑलमोस्ट हम लोग को उससे कम पे करना पड़ा जो हम लोग को अदरवाइज होटल में रह के पे करना पड़ता तो होटल में रहने के लिए हम लोग को पे करना पड़ता फॉर एग्जाम्पल हम लोग का आ रहा था फाइव थाउजेंड पर पर्सन एग्जाम्पल एंड यहाँ पे मेरा अप्रॉक्सिमेटली सेवन थाउजेंड टोटल में हो गया सो इट वॉज कॉस्ट इफेक्टिव दूसरा मेरे को यहाँ पे होटल का रूम मिलता था यहाँ पे एयर बी में मेरे को एक प्रॉपर अपार्टमेंट मिला मतलब बंगलो जैसा होता है वहां पे वैसा रहने के लिए मिला गुड एक्सपीरियंस दू वॉज वेरी गुड होटल में कोई सच इतना व्यू अच्छा नहीं रहता है बट यहाँ से मेरा व्यू अच्छा था आस पास का सराउंड अच्छा था देर वॉज अ केयर टेकर जो फुल टाइम मेरे को हेल्प करने के लिए था सो दस्टमर मैं कहीं पे भी जा रहा हूं देन इन दैट केस मुझे ये सब चीजें चाहिए क्या कॉस्ट इफेक्टिविटी एट द सेम टाइम एक क्लिक पे यहाँ पे घर पे बैठे हुए क्लिक पे मेरा वो बुकिंग हो जाए मेरे को जितने भी मेरे उधर के आस पास के सराउंडिंग है उधर भी लेके जाने के लिए कोई हो तो केयर टेकर कैन ऑल्सो हेल्प सो ये सारा कस्टमर से एक्सपेक्टेशन है एरबीएन एज अ कस्टमर मेरा एक्सपेक्टेशन है राइट right? ना no, no, no. फिर बाद में आ जाता है पेन अब एज अ कस्टमर मेरा पेन क्या है दैट इट शुड नॉट बी इन अ एरिया विच इज नॉट सेफ दूसरा द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द पीपल हु आउट मी द प्लेस सही लोगों ने चाहिए ना वरना कहीं लूट वूट लिया तो बॉम्बोर बोलते ना इंडिया से आए हैं चलो लूट लो ऐसा सब नहीं होना चाहिए तो वो एक पेन है एंड गेन क्या है दैट मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव चीज बन जाए एंड एट द सेम टाइम आई शुड गेट एवरी थिंग ईजीली सो ये है मेरे लिए कस्टमर प्रोफाइल तो सपोज इफ आई एम द एयर बी एन बी ओनर तो पहले मैं कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस लिख लूंगा जिसको बोलते हैं कस्टमर जॉब कस्टमर को किस चीज से तकलीफ होता है दैट इज कॉल्ड एज पेन्स कस्टमर को क्या चीज अच्छा लगता है दैट इज कॉल्ड माय गेन तो ये चीज पहले मैंने लिस्ट डाउन कर दिया कस्टमर एक्सपेक्टेशन विच इज कस्टमर जॉब कस्टमर का पेन्स कस्टमर का गेन्स अब क्या मैं ये एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रहा हूं क्या मेरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से क्या वो पेन से मैं उनको पेन रिलीव कर पा रहा हूं क्या क्या ये गेन को मैं क्रिएट कर पा रहा हूं क्या इफ द आंसर इज यस देन द वैल्यू मैप एंड द कस्टमर प्रोफाइल फिट्स एंड इफ इट फिट्स देन मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास इज कंप्लीट समझ में आ गया आप लोगों को सो वैल्यू प्रोपोजिशन डिस्क्राइब्स बेनिफिट दैट कस्टमर कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट क्या बोला मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर स्टार्ट यहां से होता है यह फर्स्ट पॉइंटेशन ऑफ द कस्टमर जिसको कस्टमर जॉब बोला है. फिर गेन और पेन दोनों ले लेना है भाई तेरे को क्या एक्सपेक्टेशन है उसमें गेंद क्या है पेन क्या है और फिर ये वन को मीट करेगा प्रोडक्ट एंड सर्विस ए गेन को मीट करेगा गेन क्रिएटर बी और पेन को मीट करेगा पेन रिलीवर सी तो वन ए टू बी थ्री सी मिल जाता है तो मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस ऑल इज वेल गॉट इट एवरी वन सो इट डिस्क्राइब्स द बेनिफिट दैट कस्टमर्स कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट बिजनेस इज ऑफर टू स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट टू क्रिएट वैल्यू तो हाउ डज इट वर्क सी क्या बोला इट इज अ प्लग इन फॉर द बिजनेस मॉडल कैनवास बिजनेस मॉडल कैनवास को चाहिए ना वैल्यू प्रोपोजिशन तो वैल्यू प्रोपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटर लेवल पे है तो उसको क्यों ना थोड़ा डिटेल में समझा जाए वो डिटेल में समझने के लिए हमने बनाया पहले क्या कस्टमर प्रोफाइल तो पहले उसने बोला कि भाई कस्टमर प्रोफाइल को समझो आई से कस्टमर प्रोफाइल तो यहाँ पे तीन चीजें आती है सबसे पहले कस्टमर का एक्सपेक्टेशन तो इसको नाम दिया कस्टमर जॉब्स फिर बाद में दूसरी चीज बोली के कस्टमर को किस चीज से पेन्स है और कस्टमर को किस चीज का गेंस लगता है वो लिस्ट आउट करो इफ ऑल दिस इज डन

अपना एक बिजनेस मॉडल बनाना है और उसमें वैल्यू प्रोपोजिशन के थ्रू मैपिंग करना है वैल्यू बिजनेस कैनवास का तो सबसे पहले आएगा कस्टमर प्रोफाइल में कस्टमर जॉब कस्टमर को क्या चाहिए रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो एक डर रहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जा पाएगा क्या बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स मतलब आवाज एकदम कम होना चाहिए लग्जरी होना चाहिए ऑल ऑफ दैट पर्सनल मोबिलिटी इजिली आई शुड बी एबल टू ड्राइव इट उसके लिए इस कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए टाटा ईवी ने बनाया तीन मॉडल मॉडल एस मॉडल एक्स मॉडल थ्री अच्छा मेरा सबसे बड़ा पेन क्या है ईवी हाँ, का सबसे बड़ा पेन है इन सफिशियंट नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट इस पेन को रिलीव कैसे करोगे बाय ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ चार्जिंग पॉइंट समझ में आ गया समझ में आ गया दिस इज हाउ द पेन पेन रिलीवर पेन पेन रिलीवर दूसरा लैक ऑफ लगेज स्पेस मेरे को अगर कहीं पे दूर घूमने को जाना है कोई हिल स्टेशन तो आपकी गाड़ी में हम लोग इतना सारा सामान ले जा पाएंगे कि हम इंडियंस है हम खाने का सामान पहनने का सामान बहुत ज्यादा होता है हमारा डोंट वरी डेवलप्ड इंटीरियर अर्गोनॉमिक्स स्लो चार्जिंग होता है क्या तीन तीन घंटा पांच पांच घंटा क्या वेट करूंगा क्या चार्जिंग से डोंट वरी सेवेंटी फाइव मिनट में चार्ज हंड्रेड परसेंट विद सुपर चार्जिंग स्टेशन जो पेन था उसको रिलीव कर दिया हम लोग ने हमारे प्रोडक्ट्स के साथ तो ये एक पार्ट ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन बनते जाएगा गेम क्रिएटर ड्यूरेबल बैटरी लाइफ बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बैटरी एक्सप्लोड होने का और वो सब का टेंशन होता है पूरा गाड़ी बैटरी के ऊपर है सो बैटरी शुड बी गुड सो एट इज गुड टाटा वर्ल्ड ब्रांड रेप्यूटेबल है एंड इंटीरियर अर्गोनॉमिक्स मतलब इंटीरियर भी अपना एकदम अच्छा होना चाहिए विथ अ सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन सो ये एग्जाम्पल टाटा ईवी ने बनाया अपने आप के लिए कस्टमर प्रोफाइल कस्टमी कस्टमर जॉब्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन को सेट किया पेन्स और गेन्स सबका लिस्ट डाउन किया एंड देन फिट किया उसको वैल्यू मैप के साथ तो मैं तीन मॉडल निकालूंगा ये तीन मॉडल में पेन रिलीवर भी आ जाएगा और गेन क्रिएटर भी आ जाएगा आ वी क्लियर एवरीबॉडी सो दिस इज ऑल अबाउट योर वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास कच्चे एवरीबॉडी So, जो जब मैंने लॉजिक को एक्सप्लेन किया है लेट्स रीड इट डाउन, सो अपने को और क्लियर हो जाए चीजें। क्या, आप से अभी जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो पहले मैं डिजाइनिंग भी ऐसा करूंगा उसके कि इंटीरियर में ज्यादा स्पेस आ पाए क्योंकि वो एक पेन है तो पेन रिलीव करने के लिए मुझे चाहिए वैसा टेस्टिंग प्रॉपर होना चाहिए मतलब बैटरी का टेस्टिंग बिल्ड कार बिल्ड एकदम होना चाहिए मैनेज ग्रेट कस्टमर वैल्यू सो इवेंचुअली दैट इज वॉट आई वॉट सो चलो अब लॉजिकली बता दिया अब रीड करना है फटाफट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट द टूल इज बेस्ड ऑन द टू एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल क्या कस्टमर सेगमेंट एंड दूसरा वैल्यू मैपिंग सो कस्टमर सेगमेंट फॉर वेन द बिजनेस फॉर्म इंटेंस टू क्रिएट वैल्यू

Is the gains aspect describing the positive outcomes or benefits that your customers desire to have? So, customer jobs describes the important issues that customers are trying to solve, resolve in their work. It could be their needs that they wish to satisfy. Either bracket may leak though, customer expectations, though tension. Khatam. To illustrate, matrimonial services, legal advice, a specially designed shoe for an internationally recognized player. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑर्डरिंग फूड विथ स्पेसिफिकेशन फेस मास्क कुछ भी हो सकता है कस्टमर का एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ प्रोडक्ट देन पेन्स डिस्क्राइब एनी थिंग दैट द कस्टमर और ये ऐसा नहीं है कि ईवी uh, है फॉर एग्जाम्पल तो

कॉस्ट सेविंग सब चीज उसको दे दो फंक्शनल यूटिलिटी मिल गया कॉस्ट सेविंग मिल गया गेंस मिल गया और क्या चाहिए सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स अप अब इसको जब आप यूज करोगे तो उसमें जो मेरा ये फिट है वो है अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है कि समझो आप कोई डॉक्टर के पास गए ठीक तो है डॉक्टर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसने अपने, अपने कस्टमर का पेन समझने का कोशिश किया तो कस्टमर ने बोला यार यहाँ पे वेटिंग लाइन बहुत होता है तो डॉक्टर ने पूछा अच्छा कितने टाइम के बाद अगर वेटिंग हुआ तो आपको प्रॉब्लम है जैसे हम लोग बुक्स डिलीवर करते हैं तो यूजुअली हम लोग ने स्टूडेंट को पूछा यार कितने दिन में चाहिए बोलते सर चार से पांच दिन में आ जाए ना बुक अगर तो सर कोई तकलीफ नहीं है बट सर जब चार से पांच दिन से ज्यादा के बाद आता है ना तो सर फिर बाद में ये सही नहीं लगता है सो इट इज अ पेन पांच दिन के बाद स्टूडेंट को बुक मिलना उसका पेन रिलीवर क्या है दैट वी एंश्योर दैट वी

So, तीन जो मेन चीज है आउटलाइन बंडल ऑफ प्रोडक्ट दैट बिजनेस इज ऑफरिंग टू इट्स कस्टमर्स टू हेल्प दोशल इमोशनल पर्सनल दूर कर देगा कस्टमर पेन वेल द कस्टमर ट्राइज टू गेट द जॉब डन मेरा काम हो रहा है एट द सेम टाइम मुझे कोई पेन भी फील नहीं हो रहा है Highlights which all पेन्स are addressed by value proposition and finally gain creators how products एट द सेम टाइम कस्टमर प्रोफाइल जिसमें कस्टमर जॉब गेंस आता है वो भी हो गया है सो आई कैन नाउ प्राउडली से दैट येस सर हमारे को वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास आता है अब कोई भी क्वेश्चन आए वी विल बी एबल टू मैनेज इट वॉट ए गाइस Okay then, so कैसा लगा बताइएगा हम जरूर आपको डिलीवर करके देंगे टाइम से जैसे मैंने बोला ए है उसमें भी स्टार्ट कर दिया है उसके भी अगर कोई चीज हो आप लोग को चाहिए बताते रहना चलो योर विश इज माई कमांड आस्था लविस्ता